हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवी मेकओवर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए, अभी जो प्रोस्थेटिक का पहले मैंने वीडियो डाला था उसी को स्टार्ट करेंगे हम। कैसे करना है, हाउ टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईब्रोज को हाइड करेंगे। आईब्रो को हाइड करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं क्रायलॉन का सिनेप्लास्ट। आईब्रो प्लास्टिक भी आता है, तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा इसको यूज़ कैसे करना है। उससे पहले आपका स्किन बहुत अच्छे से प्रैप होना चाहिए, CTM पे नीड है आपकी स्किन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई स्पैचुला ले सकते हैं, यहाँ पे स्पून आपके पास हो उसमें हमको निकालना है। देन हमको आईब्रो की ग्रोथ के डायरेक्शन में उसको प्रेस करना है। प्रेशर का ध्यान देना, थोड़ा दबा के यूज़ करना है, जिससे जो हेयर ग्रोथ है, जो बाल है हमारे आईब्रोज पे, सारे दब जाएंगे एंड हाइड हो जाएंगे। आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्लू स्टिक से भी कर सकते हैं, जो आपका फेविस्टिक रहता है क्राफ्ट वाला है जिसे हम स्कूल में यूज़ करते हैं उससे भी कर सकते हैं। बट रियली अगर बताऊँ तो मुझे इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू फेविस्टिक। ये जो मैंने टीथ बनाए इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब पर, पहला वीडियो, और उसे मैं अभी ऊपर मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। इसको लगाना कैसे, आप इसके लिए कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, लाइक कभी मैंने यहाँ आईलेस ग्लू यूज़ किया तो आप आईलेस ग्लू यूज़ करिएगा, और क्रायलॉन का ग्लू तो क्रायलॉन का कर सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लिक्विड लेटेक्स को यूज़ करेंगे। लिक्विड लेटेक्स को, जो क्लियर लेटेक्स है मेरे पास, ये भी क्रायलॉन का है, मैंने उसको एक शेप में बना लिया पहले, देन उसके ऊपर मैं कॉटन को अप्लाई कर रहा हूँ। लिक्विड लेटेक्स थोड़ी देर में ड्राई होने के बाद वो एक प्लास्टिक या इलास्टिक जैसा हो जाता है, तो उस पर हम कॉटन को यहाँ पे लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमको कुछ 3D इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, फोर हेड है नोज पे पूरा। आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं चिपकाने के लिए उसे। ओके सो गाइस, हेलोइन मंथ में मैंने सोचा बहुत कुछ था बहुत सारे मेकअप के लिए, लेकिन नहीं हो पाए जो कुछ मैंने किए हैं। तो मे बी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ, अगर जो जो रिकॉर्ड हैं क्लिप्स अच्छे से हो पाए उनको, तो उसमें से एक ये है, काफ़ी डिमांडेड लुक है, लोगों को बहुत पसंद आया इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अभी मैं लूँगा यहाँ पे आपका ओलिविया का वाइट स्टिक। आपके पास जो भी वाइट कंसीलर हो आप ले सकते हैं, लाइक यू कैन बी का या फिर कोई और क्रायलॉन का स्टिक हो, ओलिविया का काफ़ी अफोर्डेबल रहता है। तो इसे हम क्या करेंगे, जितना पार्ट हमने यहाँ पे मेकअप के लिए सिलेक्ट किया उसको पूरा वाइट कवरेज देंगे अच्छे से। देन एक फ्लैट ब्रश या आईब्रो ब्रश जो भी आपके पास हो, एंगुलर ब्रश, उसमें हम ब्लैक कलर का कंसीलर लेंगे या ब्लैक आई शेडो जो आपके पास हो, थोड़ा सा इसका लुक देने के लिए उसे हम चेक बोन से नीचे की तरफ लेके आएंगे। फिर उसको बहुत लाइट प्रेशर से ब्लेंड करेंगे नीचे की तरफ, ऐसा लगे कि थोड़ा 3D इफेक्ट आ रहा है, लाइक डार्क टू लाइट शेड आनी चाहिए। एज यू कैन सी, जॉ लाइन में जैसे हम कॉन्टोरिंग करते हैं उसी तरीके से। थोड़ा सा डार्क कलर मरून या फिर जो आप चाहें लाइक ब्राउन डार्क, उसको हम लेटेक्स जो लाइन बनाई है उसके अंदर से बहुत हल्की सी फिलिंग करेंगे थोड़ी शेडिंग के लिए। नोज़ पे करेंगे हम थोड़ा सा मरूनिश कलर, देन उसको हम पूरा ब्लैक कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि मरूनिश इज नॉट प्रॉपर विजिबल। देन मैंने यहाँ पे पेपर को कट किया है क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक आइज लगाएंगे, इसकी वजह से आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैंने पेपर कट करके लगा दिया। टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने पेपर की लेयरिंग कर रखी थी, कम से कम 5 से 6 लेयरिंग थी पेपर की, इस वजह से मैंने किया था।
उसके ऊपर मैंने कॉटन को रखा और साइड साइड सारी मैंने लिक्विड लेटेक्स से स्किन में ब्लेंड कर दी, मिला दी है। अब हम उस पर आई को रखेंगे जो मैंने बनाई, मैंने एमसील से बनाई है। इसका वीडियो सॉरी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, बट आई होप यू कैन मेक इजीली। ना समझ में मुझे कमेंट कर देना, देन मैं ट्राई करूँगा दोबारा से रिकॉर्ड करके आप लोग सभी को दिखा सकूँ। सो इसको लगाने के बाद हम यूज़ करेंगे बोन फिलर। ये बोन फिलर क्रायलॉन का है, इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं लाइक जो हमें थोड़े से फ्रेशी बोन्ड या घाव चोट बनाने पड़ते स्कार, उस जगह पे इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक रहती है, जेल टाइप का प्रोडक्ट रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई के साइड में दोबारा से कॉटन को लगाएंगे। कॉटन को भी अभी फिर लेटेक्स के साथ हम मिलाएंगे, लाइक हमारा जो आई हमने भी लगाया आई बॉल, वो अच्छे से ग्रिप बना ले वहाँ पे, निकले ना इजीली। जो हमने पूरा कॉटन लगाया उसको स्किन के साथ मिला देंगे विद द हेल्प ऑफ लिक्विड लेटेक्स। आई लाइक सो मच लिक्विड लेटेक्स क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है एंड इजीली रिमूव हो जाता है। मैंने और भी मेकअप किए हैं, मैंने एक का ना क्या किया है, मैंने मेकअप के बाद आफ्टर मेकअप रिमूविंग का भी वीडियो शूट किया है, अगर एडिट हो पाया तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा जरूर। सो गाइज, अगर आप सभी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आफ्टर दिस वी यूज़ क्रायलॉन बोन फिलर, जो मैंने आपको बताया ना क्रायलॉन का बोन फिलर के बारे में, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। आप देखेंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी ज़्यादा जेली टाइप की है। जहाँ हमको थोड़ी डेप्थ सी मिल रही थी साइड में, उधर हम इसको फिलिंग करेंगे जो आउटलाइन हमने की है मास्क बना के। हम इसकी साइड साइड से फिलिंग करेंगे एंड आईज़ के साइड में लाइक एक ओरिजिनल इफेक्ट देने के लिए। सो उसके बाद अभी मैं ले रहा हूँ क्रायलॉन का ब्लड। ये इसका जो शेड है थोड़ा डार्क रेड में कलर है, इसको मैं आईज़ के पास में लगाऊंगा जो हमने आई बॉल लगाया है। फेस के बिल्कुल साइड साइड में थोड़ा सा आपको स्कैरी लुक देने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक माय वीडियो। Please like, comment and share.